हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे आईसीएसआई की फुल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। अगर आप सी एस स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल पर हो, आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हो उसके बारे में आपको ये ही नहीं पता कि इसमें टोटल ट्रेनिंग कहाँ और कैसे और कितने तरीके की ट्रेनिंग होती है, तो ये एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी लेवल पर हो तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और उससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की, जो आपको फ्यूचर में करने हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आपको सीएस की डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको सारे लेवल पर, अलग अलग लेवल पर कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इसके लिए आप एक तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है, और ये चैनल ओनली फॉर सीएस स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसका स्ट्रक्चर लेके चलते हैं कि टोटल हमारे यहाँ पे कितने तरीके की ट्रेनिंग्स हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेज वन की बात करते हैं, दैट इज द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। इसे बोलते हैं ODOP, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में इसे ODOP बोला जाता है। और ये किसको करना होता है, जो बच्चे CSEET पास कर लेते हैं उनके लिए कंपलसरी है, मेरी बात पे ध्यान देना, उनके लिए कंपलसरी है। न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन इन CS कोर्स। आपने अगर CSEET पास किया तो आपको ये ट्रेनिंग करनी ही जरूरी है, और ये सिंगल डे की होती है, जिसे हम सिंगल डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। इसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं जो आपके फॉलो करने बेहद ज़रूरी है, बता रही हूँ आपको। जैसे कि आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, अगर गर्ल्स की बात करें तो आप इंडियन फॉर्मल पहन सकते हो, या फिर ट्राउजर शर्ट्स भी वियर कर सकते हो। ये सिंगल डे का होता है। आपके आसपास रजिस्टर, हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अब वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो, और आपको प्रॉपर मेल आती है, और ये सिंगल डे का है। दूसरी, सेकेंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बात करेंगे, दैट इज 30 डेज का प्रोग्राम होता है ये, लेकिन ये आपका कब होगा, जब आप CS एग्जीक्यूटिव क्रॉस कर लोगे, मतलब CS एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप अगर आप पास कर लेते हो, तो ये सेकेंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, 15 डेज तो आपकी ऑनलाइन मोड में होगी और 15 डेज क्लासरूम मोड में होगी, EDP जिसे हम बोलते हैं। फिर उसी के साथ साथ टोटल 30 डेज हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी ट्रेनिंग की बच्चों, और वो होगी हमारी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और ये आपकी रहेगी टोटल 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो आपको करनी है। अब कहाँ कहाँ पर ये कर सकते हैं, तो एक तो PCS के अंडर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, दूसरे आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी जो हमारी इंस्टीट्यूट ने रजिस्टर कर रखी है वहाँ पर आप कर सकते हैं, या अदर एंटिटीज ऑल्सो डिफाइंड बाई इंस्टीट्यूट, वहाँ पर जाकर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पूरा एक डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगी अगली वाली वीडियो में कि कौन कौन सी फर्म्स जो हैं हमारी एलिजिबल है ट्रेनिंग के लिए, प्लस उस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या काम करना होता है, आपको एग्रीमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब आपका ट्रेनर और ट्रेनिंग के बीच में एग्रीमेंट कैसे साइन होगा। तो वो सिर्फ एक पूरी वीडियो होगी जिसमें आपको 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में गाइडेंस मिलेगी। अब ये वीडियो जो है इसमें टोटल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो वही बच्चा देखेगा जिसको फाइनल के ट्रेनिंग करनी है। अब अगला मुद्दा, इस पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे जब ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम ट्रेनिंग कब ज्वाइन करें, मतलब लाइक हम अपने प्रोफेशनल क्लियर करने पर करें, प्रोफेशनल से पहले करें, क्या करें। तो मैं एज ए फैकल्टी प्लस 14 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको एक सलाह जरूर दूंगी, आपको मानना नहीं मानना आपकी अपनी मर्जी है। जब बच्चा ट्रेनिंग ज्वाइन करता है तो वो एक जॉब की तरह ही हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको सुबह घर से निकलना है, शाम को पहुंचना है, तो इट्स अ वेरी टफ टास्क टू मैनेज, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना पढ़ाई को साथ में। तो आप एक बार प्रोफेशनल के सारे पेपर गो थ्रू कर लीजिए, अगर आपने प्रोफेशनल के सारे पेपर गो थ्रू कर लिए और एक बार एग्जाम दे लीजिए, पास फेल डजेंट मैटर, आप उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फिर ट्रेनिंग के साथ आपको चैप्टर के टच में, सब्जेक्ट के टच में रहना है, और डेली बेसिस एक दो घंटा भी अगर पढ़ाई करते रहोगे मॉर्निंग में, इवनिंग में, अपने ट्रेवल टाइम में, तो आपका टच बना रहेगा और आप पेपर को निकाल दोगे। बट आपका पूरा प्रोफेशनल पेंडिंग है और आप सीधा ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हो,
तो वहां पे ट्रेनिंग तो पूरी हो जाती है लेकिन प्रोफेशनल कभी पूरा नहीं होता। आगे आपकी मर्जी है, मैंने विद लॉजिक आपको समझा दिया। अगली ट्रेनिंग की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी आती है CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम CLDP बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपकी जो है 15 डेज ऑनलाइन मोड एंड 15 डेज नॉन रेजिडेंशियल मोड CLDP होती है। और ये आपको समझना होगा, ये इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है CS के सारे पेपर पास करने के बाद, आपने सारे पेपर पास कर चुके हो प्रोफेशनल प्रोग्राम के, प्लस आपने जितनी बाकी के ऊपर मैंने ट्रेनिंग बताई वो सब कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ये आपके लास्ट प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के साथ आपका डिस्कशन होता है, पढ़ाई की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, अपने अपने एक्सपीरियंसेस प्रोफेशनल शेयर करते हैं और ये आपके लास्ट प्रोग्राम होता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका मेंबरशिप नंबर आना बाकी रह जाता है। ये मैंने आपको एक डिटेल डिस्कशन बताया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का, जो एंटायर ट्रेनिंग है, तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से, आपकी पसंद से हमारा एक मोटिवेशन लेवल और अच्छा आता है और हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमें वीडियो और बनानी चाहिए। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जैसे कि आपको बताया CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल के लेक्चर्स के लिंक है। अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हो किसी भी CSWT पे, किसी भी लेवल पे क्लास लेना चाहते हो, फेस टू फेस या लाइव में, हमारे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी बात रखना कि फर्दर वीडियो आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हो, किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।